दिस चैनल. आई एम मृणाली. आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, सो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच. आप लोग इतना प्यार दे रही हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे पनिशमेंट के. तो एक मैंने छोटी सी पनिशमेंट वीडियो बनाई थी, उसको भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया. आपको और प्यार और सपोर्ट चाहिए. उसमें कमेंट्स थे कुछ लोगों की कि हैंड कैनिंग पनिशमेंट बनाइए, आप बच्चे को स्टिक से मारिए. मुर्गा बनाने तक तो देखिए ठीक है कि हम बच्चे को मुर्गा बना सकते हैं, ये पनिशमेंट हम दे सकते हैं, उठक बैठक करा सकते हैं बच्चों से. लेकिन हैंड कैनिंग पनिशमेंट 20 स्टिक से मारिए आप बच्चों को, तो थोड़ा ना बच्चों को मारना गलत होता है. एक्चुअली जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को मारती बहुत कम हूँ. हालांकि थोड़ी बहुत पनिशमेंट मैं उन्हें देती हूँ, लेकिन बहुत कम मारती हूँ, क्योंकि बच्चा ना कभी भी मार खाकर नहीं पढ़ सकता. हो आप कोई भी चीज़ प्यार से समझाएंगी तो वो काफ़ी जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मार से कोई भी कोई चीज़ समझ नहीं सकता. और एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप ना अपने बचपन की स्टोरी शेयर कीजिए कि आपको कभी पनिशमेंट मिली थी या नहीं मिली थी. तो हाँ, मैं मुझे ना एक बार पनिशमेंट मिली थी जब मैं स्कूल में थी, 11th क्लास तक तो मेरी कोई कंप्लेंट नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी. और 12th क्लास में क्या था, पढ़ाई को लेके कंप्लेंट नहीं थी, मैं स्कूल बहुत कम जाती थी. मुझे पता नहीं क्यों स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, मैं कम जाती थी. तो टीचर मुझसे कहती थी अक्सर कि रश्मि खड़े हो, कान पकड़ो. तो मैं ऐसे कान पकड़ती थी स्कूल में और वहाँ ना दीवार के साइड में जाके खड़ी हो जाओ. मैं कहती थी मैम क्यों, तुम कल स्कूल नहीं आई थी ना, इसीलिए वहाँ जाओ और फेस घुमाओ. तो मैं क्या करती थी ना, ऐसे दीवार के साइड जस्ट वन मिनट ऐसे ऐसे करती थी, कान पकड़ती थी अपने और वहाँ जाकर मैं खड़ी हो जाती थी कान पकड़ के. फिर एटलीस्ट मैं मैम जितनी देर अटेंडेंस लेती थी तो फिर कहती थी अच्छा ठीक है बैठ जाओ, रेगुलर स्कूल आना. तो मैं कहती थी हाँ हाँ मैम मैं आऊँगी. और फिर उसके बाद एक हफ्ते के लिए मैं फिर गायब हो जाती थी. फिर जब मैं स्कूल जाती थी तो मैम लड़ाली स्कूल क्यों नहीं आई, स्कूल से कहाँ गया थी. मैम मैं ना मेरे बहाने बहुत अलग होते थे स्कूल टाइम के. मैम मैं ना बीमार हो गई थी, मैम मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैम मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली स्कूल की. मेरे बहाने इतने अजीब होते थे. 7th क्लास में मेरा स्कूल ना जाने का एक सबसे बढ़िया बहाना पता है क्या था, मैम ने मुझसे 7th क्लास में पूछा रणाली कल स्कूल की नहीं आई थी. तो मैम मेरा मन नहीं हो रहा था स्कूल आने का. सिंपल सा मैंने मतलब मैम को उस समय ना मैंने झूठ नहीं बोला, मैम मेरा मन नहीं हो रहा था स्कूल आने का. तो मैम बेटा अगर हमारा मन नहीं होगा तो हम भी नहीं आएंगे कल से स्कूल, लेकिन आना चाहिए ना. मैंने कहा हाँ मैम सॉरी, मैं स्कूल डेली आऊँगी, छुट्टी नहीं करूँगी. तो ये थी मेरी छोटी सी पनिशमेंट स्टोरी कि मुझे ना अक्सर क्लास में ऐसे कान पकड़ के खड़ा होना पड़ता था सिर्फ स्कूल ना जाने को लेकर, क्योंकि मैं ना घर से पढ़ाई कर सकती थी, मुझे घर से पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल जाने में मुझे आफत आती थी क्योंकि किसी किसी पीरियड में पढ़ाई नहीं होती थी ना. तो क्या होता था, मुझे लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, बर्बाद. तो आपकी जो पनिशमेंट की ये थी मेरी बचपन की स्टोरी, आपके कमेंट पे मैंने बनाई थी वीडियो. और आपके लिए छोटा सा सरप्राइज मैं लेकर आई हूँ. ट्यूशन ब्लॉग्स आपको मेरी डेली मिलेंगे मेरे स्टूडेंट्स के साथ. आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज मैं प्लान कर रही थी कि मैंने ना एक ट्यूशन का बोर्ड बना रही हूँ मैं. ये मेरा ट्यूशन का बोर्ड है. एक्चुअली नॉर्मली मैं बोर्ड बनवाती तो वो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ता. और जो चीज़ें आप खुद से मेहनत करके बनाते हैं ना उनका एक मज़ा अलग होता है. ये मेरा ट्यूशन बोर्ड है जिसमें मैं कुछ फ्री वर्कशॉप स्टार्ट करने वाली हूँ पढ़ाई के लिए. लिमिटेड सीट्स हैं जिसमें बच्चों के लिए ना कोई चार्जेस नहीं है. अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसमें क्या है, आपके स्टडी में SST में बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं. SST हो गई, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको डाउट होता है. SST मैथ्स साइंस हिंदी इंग्लिश इनके कुछ फ्री वर्कशॉप्स मैं करने वाली हूँ, सेंटर पे मैं करने वाली हूँ. तो ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे. तो इस बोर्ड के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि इसको बनाती हूँ, जो अधूरा रह गया तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ सबसे पहले. अगर 11th क्लास की मेरी जो वर्कशॉप है वो है मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक. किसी को भी डाउट होता है ना कुछ भी तो वो सारे डाउट्स मुझे क्लियर करने हुए हम कुछ कुछ डेज की इसमें वर्कशॉप करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ. और आपको
आपको बाकी जिस टॉपिक पर वीडियो देखनी होगी ना आप आराम से कहिए, लेकिन पनिशमेंट में जैसे पनिशमेंट कहेंगी ना तो मैं वैसे भी व्लॉग शूट करूंगी, लेकिन हाँ हैंड टैनिंग ना वो स्टिक्स एक कमेंट था कि एक आप ना बच्ची को हैंड टैनिंग पनिशमेंट दीजिए 20 स्टिक्स उसे हार्डली मारिए। अब मेरा देखिए बच्चों से कोई दुश्मनी तो नहीं है कि मैं उनको 20 स्टिक्स मारूंगी, क्योंकि जब लगती है ना हाथ में बहुत दर्द होता है कसम से, तो मैं उन्हें 20 स्टिक्स नहीं मार सकती। एक्चुअली एक बार मैंने 6th क्लास की बच्ची को ना मैंने मारा था, मुझे खुद सीरियसली बाद में इतना गिल्ट फील हुआ जब मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा। मैं बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार से पढ़ाती। मैंने बाद में उसको कॉल किया, मैंने उसे सॉरी बोला, तो उसने कहा कि दी आपने मुझे मारा वो मेरी गलती थी, सो प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए। लेकिन ये था ना कि मैंने उसे मारा क्योंकि जो चीज़ मैं उसे प्यार से समझा सकती थी उसने मुझे उसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मारा वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो ना बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती, हाँ थोड़ी पनिशमेंट मैं उन्हें देती हूँ जब उनका टेस्ट लेती हूँ, उनके मार्क्स कम आते हैं। और तब यार ये जो मेरी फ्री वर्कशॉप है ना मेरी पढ़ाई के लिए बच्चों की, तो इसको आप वीडियो को शेयर करना ताकि जो बच्चे फ्री जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते, जो तो यार जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जो पैसे नहीं दे सकते वो कुछ दिन की मेरी क्लासेस अटेंड कर पाए, कुछ सीख पाए, कुछ पढ़ पाए, क्योंकि ज्ञान ना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करोगे लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, देन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगी ना तो यार चीज़ें ना हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैं स्कूल टाइम पे थी जब मैं कोचिंग में थी ना तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत प्यारी बात कही थी कि आप एक बार सोचो तो किसी काम को करने की। हम लोग किसी काम को सोचते हैं ठीक है ठीक है मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैं इसे करूँगी, फिर हम ठीक है नहीं यार ये ना मेरे बस की नियम उससे नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट आप उसे ट्राई तो कीजिए। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में बच्चे क्या कहते हैं, मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें बच्चे कहते हैं कि मुझसे कि दीदी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। मैं कहूँगी क्यों नहीं हुआ, ये तो मुझे देखने से टफ लग रहा है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन ना देखिए सिर्फ देखने से, सपोज मैं अगर कहूँ कि आप मुझे बताइए 5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसे सॉल्व कीजिए तो वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं दीदी उससे नहीं होगा, करने बैठो सिंपल सा आंसर क्या है ए प्लस बी देन ए माइनस बी। ओके अगर मैं एसएसटी में नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस पूछ दूँ जैसे जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने पूछा था फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो मैंने पूछा था, तो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा हाल ही में ट्यूशन आया जो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा 26 जनवरी को क्या हुआ था, उस दिन गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो सबसे ज़्यादा मेरा जो मोस्टली फनी क्वेश्चन था कि मतलब फनी वाला आंसर था ना कि उस दिन गांधी जी को गोली मारी गई थी, जबकि 26 को हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आजकल ना कोरोना के चक्कर में क्या हो गया है, जब से ये बच्चों को लॉकडाउन लगा है ना उनकी आधी स्टडी टोटली बर्बाद हो चुकी है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, तो बस फोन लिया अपना गूगल से पूछा बस। एक बच्ची को मैंने कल ही बोला एक काम कर बेटा ये जितने भी आंसर है गूगल से पूछना है तो गूगल से ही कर लेना, क्यों क्योंकि बच्चे फोन पर इतने डिपेंड हो गए हैं ना वो खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं पता नहीं क्यों। एक और घर वालों ने भी क्या कर रखा है बच्चों को मोस्टली फोन दे दिया, आप लोग ना फोन यूज करो यार, पता फोन यूज करना ना गलत नहीं होता है लेकिन फोन से आप चीजें सीखो वो चीजें सीखो जो आपके काम की हो। आप ऐसे आप पता चला उसमें बैठ के पूरे दिन यूट्यूब चला रहे हैं, पूरे दिन इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आजकल जो बच्चे होते हैं ना ये पिदकने 5th 4th क्लास के बच्चों की इंस्टाग्राम आईडी बनी है, जब हम लोग 5th या 4th क्लास में थे फोन नहीं था, मेरे पास मेरा फोन कब आया जो मैं 12th क्लास में आई थी मुझे तब फोन मिला था स्टडी, वो भी स्टडी के लिए नहीं मिला था, नॉर्मली मैंने जिद करी थी, मैंने फिर चार दिन मैंने खाना नहीं खाया था गुस्से में आती मुझे फ़ोन चाहिए क्यों, क्योंकि आपने मेरी दीदी को फ़ोन दिया है तो मुझे भी फ़ोन दो मुझे भी चाहिए, तो तब मम्मी ने मुझे दिलाया था। उसके बाद भी रिचार्ज नहीं रहता था उसमें अक्सर क्योंकि जॉब उस टाइम पर मैं करती नहीं थी, तो रिचार्ज का तो मतलब ही नहीं हुआ कि मम्मी आपको हमेशा रिचार्ज करा के दे दें, तो उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ती थी। फिर फाइनली अब थोड़ा बहुत ये है कि हाँ दादा चलाती हूँ फोन,
लेकिन वो भी काम की चीज़ें रहती हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा मेरे फ़ोन में कभी मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा फ़ोन 2 GB रैम का है, लोगों के फ़ोन 4 GB 6 GB रैम के होते हैं, मेरा फ़ोन 2 GB रैम का है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं मेरी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, तो एक्स्ट्रा मुझे इसमें रखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सो यार ये जो मेरी फ्री वर्कशॉप का है ना यार, ट्यूशन का शेयर करो, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, इसके पैम्पलेट्स भी मैं छपवा रही हूँ, इसके पैम्पलेट्स मैं छपवाऊँगी, और मैं उन्हीं कुछ बच्चों को पढ़ाऊँगी जो पढ़ाई में ना सीरियसली बेटर हो। मुझे खाली की भीड़ नहीं रखनी है अपने ट्यूशन में, कि पता चला पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं, टाइम पास वाले बच्चे आ रहे हैं, ठीक है हो गया, मुझे खाली भीड़ नहीं रखनी। कुछ बच्चों के मैं टेस्ट भी लूँगी, जो टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हें मैं फ्री वर्कशॉप दूँगी, जो टेस्ट क्लियर करेंगे उनको मैं फ्री पढ़ाऊँगी पूरे साल। और फ्री वर्कशॉप तो मेरे लिमिटेड सीट्स हैं, वो मेरे हर बच्चे के लिए हैं। स्टार्ट में जो उसमें ज्वाइन हो जाएगा आकर सेंटर पे, उसको मैं पढ़ाऊँगी। तो यार आप लोग ना सीरियसली इस टाइम पे अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। और मुझे क्या कॉमेंट्स थे कि आप गर्ल्स को मुर्गा बनाओ, आप मुझे ये बताइए, आप मतलब कुछ बॉयज़ के कॉमेंट्स थे कि आप गर्ल्स को मुर्गा बनाओ, ये गर्ल्स को मुर्गा बनाने वाली पनिशमेंट कहाँ से ध्यान में आती है? गर्ल्स को मुर्गा बनाने वाली पनिशमेंट कहाँ से ध्यान में आती है? पनिशमेंट सारी ध्यान में रखनी है, मार भी खानी है। अभी गर्ल्स मुर्गा बनेंगी पनिशमेंट में, अच्छा लगता है। चलो उठक बैठक करो, कान पकड़ो, ठीक है समझ में आता है, लेकिन मुर्गा मुर्गा बनाओ। हैंड कैनिंग पनिशमेंट की जो आपकी डिमांड है ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको हैंड कैनिंग पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, डन, आई प्रॉमिस, ओके। तो तब तक के लिए जो मेरी फ्री वर्कशॉप का है बच्चों की स्टडी के पर्पस का, इसको शेयर करो लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आगे आने वाली जो व्लॉग्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और आप कोई भी मिस ना करो। और कोई भी डिमांड हो, कुछ भी हो ना, फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको ना रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा मृणाली की तरफ से। ये जो मेरा ट्यूशन है, इसके लिए यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने क्या करा है, काफ़ी सारी चीज़ें सोची हैं, बाकी कुछ बच्चों को एजुकेट कर पाऊँ, मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि ना बहुत कुछ खुद भी सीखने के लिए मिलता है। इस डायरी पे मैं यही बना रही थी, अपना दिखाती हूँ, मेरी ये पूरी डायरी मतलब लगभग भरने वाली है। इसमें क्या करती हूँ, मैं यही चीज़ें लिखते रहती हूँ पूरे दिन का। मेरा इसमें रहता है कि आजकल मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कुछ बच्चों से बात भी करी कि आपके एरिया में मतलब किस टाइप के बच्चे हैं, क्या हैं, कि ऐसा हो कि कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं तो मुझे वो भी बताओ। तो बस थोड़ी सी सर्चिंग चल रही है ऐसे बच्चों को लेके, कि उन बच्चों को पढ़ा पाऊँ, उनको कुछ सिखा पाऊँ। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, और आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देना चाहते हैं, आपको आगे ऐसी पनिशमेंट देखने के लिए मिलती रहेंगी, आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही देना चाहते हैं ना, तो इस फ्री वर्कशॉप के चार्ट पेपर को शेयर कीजिए, फ्री वर्कशॉप को की वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, और कोरोना से सेफ रहिए। बाय बाय आपको मृणाली की तरफ से।